सबसे पहले बात करूंगी मेरे सारे देखने वाले और आप लोगों से भी कि डायबिटीज जो है ये एक साइलेंट किलर डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें सिर्फ हमें शुगर की बीमारी, ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे सारे जिस्म के ऑर्गन्स जितने भी है, हमारे दिल की बीमारियों को आगे साथ लेके चलती है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते। इसके साथ साथ हमारी आंखों की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां, जब हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो हमें ये सिम्टम्स आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की खुराकें मौजूद हैं हम उस पर फोकस नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल शायद ऐसा हो चुका है कि हम बाहर के खानों पर ज्यादा तरजीह देते हैं और घर के खानों से बहुत दूर भागते हैं। आप जिसको भी देखें शायद हम एक फख्र महसूस करते हैं कि हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनको बेकरी आइटम्स, या घर में नॉर्मली भी हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है या हमारे बड़े जो है वो तो बेकरी के खाने या फास्ट फूड्स के अलावा पिज्जा बर्गर के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी रीजन भी आजकल हमारी तमाम बीमारियों की जो मेन रीजन है वो यही है। एक बात और दूसरा ये कि हम देर तक जागते रहते हैं रात को और सुबह भी हम देर तक सोते हैं। एक बात और, अब अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें डायबिटीज के हवाले से, तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, दोस्ती करनी पड़ती है। अगर हम दोस्ती नहीं करते तो ये हमें मजीद से मजीद नुकसान देती है। अब दोस्ती इन व्हाट सेंस के दोस्ती हमें करनी पड़ती है इसके साथ, अच्छी खुराक के साथ, अपने लाइफस्टाइल में चेंज के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और नंबर थर्ड हमें मेडिकेशन के साथ। एक बात और, अच्छा। जैसे तो लेटर अभी स्टार्टिंग है स्टेज, जैसे अभी आपने बात की प्री डायबिटीज की, कि अगर हमें प्री डायबिटीज है और हमें पता चल गया है और इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, इसके अलावा बार बार भूख लगना, वजन में या शदीद कमी या वजन में मजीद ज्यादती। एक बात और कुछ ही ऐसी बीमारी होती है जो कि बाय बर्थ बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, और इसकी डिफरेंट एग्जाम है जैसे टाइप 1 जो कि बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, उसके लिए हमें थ्रू आउट लाइफ जो है वो इंसुलिन लेनी ही लेनी पड़ती है, और ये बच्चों से ही स्टार्ट हो जाती है। एक बात और, फिर हमें टाइप 2 डायबिटीज जो कि लेटर स्टेजेस में फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में है तो फैमिली से ट्रांसफर हो सकती है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत फैट वाली डाइट ले रहे होते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। हमारा वेट ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी जो कि मेन रीजन है इसकी, इस बीमारी की, ओबेसिटी की वजह से भी हमें शुगर हो जाती है। एक बात और, जो कि लड़कियों में आजकल बहुत अहम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी एक रीजन है हमारी डायबिटीज होने की। और नंबर थर्ड, इसके अलावा हमारी और भी गेस्टेशनल डायबिटीज, जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओज है, उनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। इन सब का दारोमदार जो है वो हमारे लाइफस्टाइल पे है, हमारी डाइट पे है। एक बात और, शुगर बताती है, ऑब्वियसली शुगर ऐसे होता है कि जब लो शुगर होना शुरू हो जाए तब भी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं ना तो हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि हमें कोई भी चीज़ है हम उसके लिए, अगर अब बात करते हैं नॉर्मली लोगों की, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने के लिए कोई डॉक्टर रेफर करता है, हम हॉस्पिटल में होती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टीचिंग हॉस्पिटल में, अगर कोई मेरे पास डॉक्टर मेडिसिन का डॉक्टर रेफर करते हैं वो आके नीचे कहेंगे हमें तो पता है हमने क्या खाना पीना है, हम लोग खाने को ज्यादा तरजीह देते हैं और वो भी हेल्दी डाइट पे नहीं दूसरी डाइट पे, लोगों को पता नहीं चलता। हालांकि शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें वाज़ह सिम्टम्स आते हैं, जब हाई होती है तब भी और जब लो होती है तब भी, हमारी बॉडी पे जब लो शुगर होती है तो बॉडी पे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग के बाद वो बॉडी का हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है जिससे हमें पता है कि हाइपोग्लाइसेमिक में बॉडी चली गई है, लेकिन लोग शायद इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं और मेरे ख्याल में लोग ये मानना ही नहीं चाहते। एक बात और, मीठा नहीं खा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम पोर्शन साइज को कंट्रोल कर ले, अपनी डाइट को कंट्रोल कर ले, हम इस डिजीज को मेंटेन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी, मेरे पास एक पेशेंट आया, कहते मैडम हमने कहीं से सुना है कि हम फलां जगह पे एक बाबा जी है वो तवीज करके देते हैं और उससे शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है, लोगों में अभी तक इतनी जहालत पाई जाती है। एक बात और, अगर हम देखें कौन सी खुराकें हैं
अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको नहीं उनके करीब भी जाना। हमें व्हाइट फ्लोर प्रोडक्ट्स, बेकरी की जितनी चीजें, हमें उनको बहुत मिनिमाइज कर देना चाहिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि हमारी डाइट ऐसी है कि हम सारी चीजें लेते हैं मीठा, मेरे ख्याल में हम एक पोर्शन साइज को कंट्रोल करें, अपनी डाइट में हर वो चीज ऐड करें जो कि हेल्दी है। हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन फ्रूट्स भी हमें कम मीठे फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए एज कम्पेयर टू हाई ग्लूकोज फ्रूट्स, जिसमें आम, केला, ये हमारी पसंदीदा खुराकें समझी जाती हैं। आम, केला, खजूर, अंगूर, शहद, इन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इसकी सर्विंग कम से कम होनी चाहिए। एक बात और, ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी लो फैट, जो भी हमारी स्किम्ड मिल्क है उसको यूज करना चाहिए। हमारी जो भी इस तरह एग्स है, लीन मीट प्रोटीन्स वाले सोर्सेज से लेना चाहिए। वेजिटेबल्स आनी चाहिए हमारी डाइट में। और इसके अलावा हमारी बेकरी को, जितनी भी बेकरी है ना, उसको स्किप कर देना चाहिए। और होल व्हीट सीरियल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, जिसमें आटा जो हम यूज करते हैं, हमने सुना है घरों में आता है व्हाइट आटा आता है, तो हमें उसको मिनिमाइज करके उसको उसकी जगह पे होल सीरियल चक्की वाला आटा खाना चाहिए, चाहे वो गंदम है, बार्ले है, ओट्स है, जो भी ये आटे हैं उनको यूज करना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में जरूर ऐड करना चाहिए। एक बात और, कम से कम टेस्ट कर लिया कीजिए, इतना मुश्किल नहीं होता। तकरीबन अब तो मैंने हर घर में ही देखा है कि आप लोग खुद घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जाते रहते हैं, आते जाते किसी फार्मेसी पे जाएंगे तो आप वहां से चेक करवा सकते हैं। और एक दफा की ऊपर नीचे वाली को इतना संजीदा नहीं लेना, और डॉक्टर के बगैर कोई दवाई का भी फैसला नहीं करना है। हम अपने हमसायों को जो दवाई लगी होती है, जो अद्वियात वो ले रहे होते हैं, वही लेना शुरू कर देते हैं, तो ये गलतियां। अच्छा, एक और बात ये कि जो डायबिटिक पेशेंट सुन रहे होंगे ना, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो जो अपनी डायबिटीज को मान भी नहीं रहे होते हैं और ना लाइफस्टाइल को उतना उतना ठीक कर रहे होते हैं, और दूसरा ये कि मीठे से भी परहेज नहीं कर रहे होते। परहेज क्यों नहीं करते, तो मैं बताता हूँ, चाय हूँ ना वो फीकी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके बाद मैं बर्फी खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, उससे मुझे मसला नहीं होता। मीठा मैं खा लेता हूँ, लेकिन चाय में चीनी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की तकरीबन हम एहतियात कर रहे होते हैं, की एहतियात से परहेज ही फिर करना बेहतर है, क्योंकि ये जो डायबिटीज, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ये फिर आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में उनको भी हिट कर सकता है।